हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है डे 3। हम सोच रहे हैं डैम तक हम वॉक करके जाएं। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है 11 मिनट्स का। देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। हम पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम डैम की तरफ जाएंगे, क्योंकि आज का शेड्यूल हमारा बहुत टाइट है। हमें लेक भी विजिट करना है। कल इवनिंग में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसीलिए हम जा नहीं पाए थे। सो अगेन दिस व्यू। अगर 2 दिन की पीसफुल प्लेस में स्टे चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी जगह है। अपर लेक से काफ़ी दूर है, ऑलमोस्ट 16 से 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये, क्योंकि ये केरवा डैम ये बिल्कुल ही शहर से बाहर है। बट शांति के लिए इसी तरह की जगह आपको चाहिए होती है। हम लोग वॉक करके डैम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे साइकिलिस्ट भी है, साइकिलिंग करते हुए जा रहे हैं डैम की तरफ। डैम एक पिकनिक स्पॉट है, तो बहुत लोग वहाँ पे आके पिकनिक करते हैं। एज सच मुझे पानी नहीं दिखा। कोई बड़ा सा डैम नहीं है, वो बहुत ही छोटा सा नदी टाइप है। वहाँ पे एक सेंटर है, सो यहाँ पे टाइगर कोई रिसर्च सेंटर है शायद। इस एरिया में 5 टाइगर्स हैं, जो लोकल्स ने हमें बताया। हम डैम की तरफ आ गए हैं, 10 मिनट वॉक करके आए हैं। लाइक ऑलमोस्ट 15 मिनट तो लग ही गए हैं, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। देखने में लग रहा था पास है। हाँ, किसी का डॉगी है। पता नहीं हिल स्टेशन में लोग टीका क्यों लगाते थे डॉग्स को। तो हम पहुंच गए केरवा डैम। यहाँ से बहुत सुंदर लग रहा है व्यू। पानी ऐसा इतना ज्यादा है नहीं, तो इस तरफ भी एक गांव है। ऊपर कोई गवर्नमेंट का ऑफिस है, ये वाला सेक्शन ये यहाँ पे, और ये डैम। हमारा होटल बिल्कुल इस डैम के राइट एंड साइड पे है, शायद यहाँ से दिखेगा भी। यहाँ पे एक मंदिर भी है, तो हम सीधे ऊपर से आ रहे हैं। और केरवा रेस्ट हाउस भी है एक आगे। तो हम निकल पड़े हैं आज के लिए। आज की हमारी आइटनरी है भोजपुर और भीम बेटे का। कल इवनिंग में ओला से हमने एक टैक्सी बुक करी थी सिटी से इस होटल तक के लिए, सो उन्हीं से हमने रिक्वेस्ट करा आज के ट्रिप के लिए, तो वो हमें लेके जा रहे हैं आज। यहाँ से भोजपुर कितना किलोमीटर है? 35 के आसपास होना चाहिए। हाँ, हमने कितना देखा था? 32 ना। हाँ, यहाँ से कि वहाँ से? यहाँ से 32 देखा था ना। और वहाँ भोजपुर से भीम बेटे का कितना किलोमीटर? लगभग इससे कुछ कम होगा, 20-25 किलोमीटर है शायद वहाँ से। ठीक है। और इवनिंग में अच्छा होता है अपर लेक की सुबह? अपर लेक, हाँ जी, इवनिंग में ना। तो वापस आते वक्त हम अपर लेक होते हुए आएंगे। हम भोजपुर टेम्पल पहुंच गए हैं। हमने बाहर से ये पूजा के लिए कुछ सामान लिया है, और हमें थोड़ा सा लाइक टाइम लगा। 26 किलोमीटर्स था हमारे होटल से, बट आई थिंक ड्राइवर को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके आया है। पहुँच गए, बहुत ही सुंदर व्यू है। मैं आपको गूगल करके इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती। मैं देखती हूँ यहाँ पे कोई लोकल या पंडित जी मिलेंगे तो मैं उनसे पूछ के ही बता दूंगी यहाँ पे क्या है, यहाँ का महत्व और कब ये बना है। आराम से ऊपर वाला व्यू आना चाहिए मंदिर का पूरा। ग्यारह सौ साल पुराना है, राजा भोज ने बनाया था ये मंदिर। ये मंदिर नाम है भोजेश्वर के नाम से जानते हैं। अच्छा जी हाँ। बंड में सबसे बड़ा शिवलिंग है, 21.5 फीट का शिवलिंग है। कितने टूरिस्ट आ जाते हैं यहाँ पे फिर? कम से कम आ जाते हैं 1000-2000। और कोई स्पेशल दिन है जहाँ पे यहाँ सब पूजा करने आते होंगे? महाशिवरात्रि। पूरी
तीन बार कैलाश घूम के आए? अमरनाथ तीन बार, जाओ साक्षात भगवान विराजमान है, कैलाश में ही तो है। ये तो बंद कर दिया ना, नया पाती रास्ता बन रहा है, मोदी ने खोल रहा है। आदि कैलाश तो खुला है, अरे चाइना तो बंद है, मतलब चाइना से दूसरे रास्ते, अब मोदी दूसरे तरीके से कर रहे हैं। लोग भीम बेटिका पहुंच गए हैं और यहाँ पे कुछ एंट्री टिकट्स लेनी पड़ती है। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है एंट्री टिकट्स की और अंदर है काफ़ी, तो कार लेके जा सकते हैं। टाइमिंग्स यहाँ पे लिखे हुए 7 बजे से 5 बजे, कार के लिए 150 रुपये, ऑटो के लिए 100 रुपये और बाइक के लिए 50 रुपये। ये तो व्हीकल का है और बाकी चीज़ें बाय वॉक, टू व्हीलर, ऑटो, पर्सन का नहीं है, यहाँ पे गाड़ी के प्राइजेज हैं। यहाँ पैदल आने का तो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ व्हीकल आपके पास होगा तभी आप ये जगह घूम पाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। भीमबेटका हिस्टोरिक साइट्स, अर्ली ह्यूमन साइट्स। भीमबेटका की खोज 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, निक नेम हरिभाव वाकनकर जी के द्वारा किया गया था। वाकनकर जी जो थे हिस्ट्री के प्रोफेसर थे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के उज्जैन के विक्रम दृष्टि के, रहने वाले थे नागपुष्टि महाराष्ट्र। करोड़ों साल पहले मिलियंस ईयर्स एगो द पार्ट ऑफ भीमबेटका अंडर द सी, अंडर द टैथिस सी। ड्यूरिंग सी के दौरान ये गुफाएं और सेल्टर बने जिनका अर्ली पीपल ने ड्यूरिंग लिविंग के दौरान सन से, वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए इस्तेमाल करते थे। और साहब भीमबेटका का इंडिया का एकमात्र साइट है, फिर फ्रांस और स्पेन में। तो यहाँ जो पेंटिंग, ये जो केव्स है भीमबेटका की बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट केव्स है। अर्ली पीरियड में इस केव्स का इस्तेमाल आदि मानव बिफोर हंटिंग एंड फाइटिंग यहाँ पर सभाएं करते थे, मीटिंग करते थे। इसका नाम है सभागृह ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम की जो फिगर्स हैं मध्य पाठंकाल मेसोलिथिक पीरियड के, मिडिल में अर्ली पीपल के लेफ्ट हैंड का फिगर, डियर का फिगर, वो जैसे वाइल्ड लाइफ सफारी होती है वैसे कुछ है। हाँ जी हाँ जी सेम, उसमें एनिमल साइटिंग, रॉक क्लाइंबिंग, केव पेंटिंग, सारी चीज़ें होती। अब बात होती है इस साइट को खोज होने का, तो 1956 का वाक्य है, क्योंकि मेरे पापा खुद आर्कोलॉजिकल में एम्प्लॉय थे और हरिओम वाकनकर जी के साथ उन्होंने कुछ समय बिताया, मतलब उनके साथ काम भी कराया। तो वाकनकर जी यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए थे, ऐसा बताते हैं कि हरिओम वाकनकर जी कुष्ठ रोग, लेप्रेसी से पीड़ित थे और 1955-56 तक इंडिया के अंदर कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं था। तो हरिओम वाकनकर जी ट्रीटमेंट के लिए आए थे क्योंकि जो यहाँ के ट्राइब पीपल थे जंगली जड़ी बूटियों से ट्रीटमेंट देते थे। और ये आप विश्वास नहीं करोगे, 1955-56 में ये ट्रीट आपका मेडिसिन लेने से और उसका लेप लगाने से वो कुष्ठ रोग, लेप्रेसी से मुक्त हो गए थे। तो ये बात हो गई उनके आने का। अब बात आती है साइट के खोज होने का। देखो साहब, हीरे की परख जौहरी समझता है। हरिभाव वाकनकर जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, हूबहू वारली आर्ट रिप्लिका की तरह बना सकते थे क्योंकि मराठी थे वो। तो जब उन्होंने जंगल में कुछ पेंटिंग को बना देखा, पेंटिंग की बनावट से उन्हें लगा कि ये हो ना हो वारली आर्ट के पूर्वजों का है, बताइए। और फिर 15 ईयर का समय लगा जंगल की खोज करने में, रहने में, तब जाके साइट एक्सप्लोर हुआ। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके लिए पद्मश्री का अवार्ड दिया था। सब हम हाईवे पे रुके हैं लंच करने के लिए, भोपाल तक जाने में अभी 1 घंटा लगेगा, तो हमने सोचा लंच कर लेते हैं। अभी 2:30 बज रहे हैं। हमने मंगवाया है दाल बाफला थाली, जिसमें ये दाल बाफला है, कुछ इस तरह के फ्राइड डोनट टाइप्स हैं, ये मसालेदार होगा, कॉर्न मील से बना होता है ये। उसके साथ दो तरह की, एक दाल है दूसरी कड़ी है और ये बैंगन है। बैंगन भरता हम जैसे घर पे खाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है, ये बहुत तीखा है। और इसके साथ गुलाब जामुन मिल जाना। अराउंड
4:30 हम अपर लेक पहुंच गए थे। भोपाल अपर लेक बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, यहाँ पे टूरिस्ट तो आते ही हैं और इवनिंग में लोकल्स भी काफ़ी आते हैं। ये जगह इवनिंग में घूमने के लिए ही अच्छा है, जैसे हमारे ड्राइवर ने हमें एडवाइस किया। और यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट वैरायटी के बोटिंग्स भी होती हैं और सबका प्राइस काफ़ी अलग होता है। ये जगह काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग सी लगी, इवनिंग में काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, यहाँ पे एक लाइव म्यूज़िक भी हो रहा था। और हमने फिर बोटिंग करी और बोटिंग अराउंड 30 मिनट्स की होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना पे करते हो। और हमें हाफ एन आवर बोटिंग करके काफ़ी मज़ा आया। ये लेक बहुत ही ज़्यादा गहरी है तो थोड़ा सा डर तो लग रहा था हमें। देखे देखे अभी पीछे है, ये ऐसे ही घूमती रहती है क्या? अच्छा, यहाँ पे हम रुकेंगे शायद 10-15 मिनट के लिए, फोटोज खींचेंगे, अंदर दरगाह है और फिर उसके बाद हम वापस आएंगे। कितने मिनट की है ये? 25 मिनट की राइड है ना भैया? तो अच्छा, आपके सिर पे वो बांधना स्कार्फ? नहीं, मेरे को लगता है कि इज्जत होनी चाहिए हर जगह की, अलग स्कार्फ है तो स्कार्फ होना चाहिए। हाँ, नहीं, नहीं। लेक के आसपास काफी सारे कैफेज और फूड जॉइंट्स तो थे ही, उसके साथ एक फिश स्पा सेंटर भी था। ये जगह काफी हैपनिंग है। हमने सनसेट देखा और लेक के आसपास का एरिया भी देखा। इवनिंग में ये जगह बहुत सुंदर हो जाती है। बोटिंग तो बंद हो गई थी, 6:30 हो रहे थे, ना डिनर कर सकते थे और स्नैकिंग का हमें बिल्कुल मन नहीं था, तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने होटल जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं।